हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ बशर, सो गाइस आदि पुरुष मूवी का फाइनल ट्रेलर लेकर आ गए हैं आप खिदमत में। इससे बिल्कुल पहले यार हमने ट्रेलर किया था इसका मैं, लेकिन उससे रिमूव स्ट्राइक हो लग गया। गई थी और रिमूव हो गया था। तो आई होप ये ना हो। तो जल्दी देखते हैं आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर। प्रभास है, सैफ अली खान है, अच्छा कृति सैनन है, ओम राउत सर और भूषण कुमार सर। तो जल्दी देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ट्रेलर वन तो बहुत कमाल था, उसने बहुत हिला डाला कमाल था, था इतना वाकई मजा में, आया था, घूस बम दिए थे। सही तो ये बात। कैसा होने लगा देखते हैं। कानून करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। भिक्षाम दे हाँ ये बाहर निकल गई। ये रावण होता है। रावण होता है जो उसको किडनैप करने आता है। रावण दिखाया गया, कृष्ण को भी दिखाया गया बिल्कुल। रावण आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अपनी जान की को ले जाने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गार दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूं। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। बाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। ये मूवी भाई झंडे गाड़ने झंडे गाड़ने की वाकई है। इसी साथ दो वीडियो खत्म। मैं देखो किसी इतिहास जोड़ा है, मतलब लॉर्ड राम का असर सारा कुछ इसमें है, रामायण सारी बताई गई है। अभी तक तो पठान मूवी थी ना फिलहाल इस साल की सबसे बड़ी। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ 2023 की, बिल्कुल। लेकिन ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवी होगी। मुझे भी यही ये चीज देखो यार, जो जो कुछ लोग कह रहे हैं थोड़े बहुत लोग VFX, यार देखो आप हर छोटी चीज को ना देखो, आप देखो ये आपके इतिहास से बिल्कुल इतिहास है। इस मूवी के थ्रू लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपका इतिहास क्या था। तो ये चीज देखिए, पूरी रामायण बताई गई है, लॉर्ड राम की जो है ना सारी स्टोरी बताई गई है। जब सीता माँ बोलती है जानकी तब जाएगी जब उनको मतलब राम लेने आएंगे, राम लेने आएंगे। तो मतलब जानकी ऐसे सीता माँ का असली नाम होता है ना भाई। तो वो कहती है वो मैं कब तब जाऊंगी जब मतलब बोले नहीं, तो अगर लॉर्ड हनुमान चाहते तो वो उसी टाइम ले जाते, क्योंकि मतलब उन्होंने लंका में आग जला दी थी, इनको लेने आ गए थे। नहीं लंका इसके बाद जलाई थी भाई, और यार देखा जाए भाई ये क्या कमा। और जब उन्होंने बोला पाप जितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन जीत हमेशा सच की होती है यार। और जब स्टार्ट में बोला है ना कि दो पाव से जो है ना 10 सार वालों को जो है ना कुछ आ रहा। और भाई आपने देखा और सैफ अली खान इसमें बड़ा अच्छा रूप था इसका, बड़े बड़े बाल और जिसमें वो किडनैप करने आता है ना, अच्छा वो वहां से निकाल कवच सा मतलब शायद लॉर्ड राम ने उधर लगाया होता है। बिल्कुल तो
उससे निकालने के लिए वो मतलब एक षड्यंत्र से रचता है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर उनको मतलब वो सातु समाप्त कर जाता है। सीता मां को बचाने के लिए यहाँ तक के परिंदों का बादशाह भी आता है। हाँ, जटायु जो आता है उस... दूसरा नाम दो, जटायु उसके भाई का नाम था या नहीं? उनका नाम जटायु था। उनके भाई का नाम कुछ और था। हाँ, कुछ और था। उनका भाई का नाम, क्योंकि वो उनका एक पंख कटा हुआ नजर आता है जब वो अभी केरला में उनका वो भी लगाया हुआ है, स्टैचू बना हुआ है इसी पक्षी का, जो कि राजा होता है परिंदों का, मतलब बर्ड्स वगैरह के किंग होते हैं, वो बचाने आते हैं। लेकिन वानर सेना को बोलते हैं कि लड़ोगे, वो कहते हैं हाँ, सारे फिर आते, फिर लड़ाई होती है, उनके मजा आता है यार, यार मजा आता है। बंदे को घूस पंप देने वाली मूवी है, सही बात। अब ये जल्दी आने वाली है भाई, 16 जून को, 16 जून को, बहुत करीब है भाई, बहुत करीब है, वाकई में बहुत करीब, बहुत करीब टाइम, मजा आने वाला है, मजा आएगा, बाकी मजा आएगा। आपका गाइस क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, कैसा लगा ट्रेलर अपनी राय बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ करता हूं।